बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ज्योति सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नए साल की आपको, आपके परिवार और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें 2022 बहुत ही बेहतरीन और अब तक का आपके लिए सबसे बेहद अच्छा साल साबित हो। जी बिजनेस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बताएं, सबसे पहले बाजार पर ही एक राय लेना चाहते हैं, 2022 के लिए मार्केट आउटलुक क्या है आपका? आपको, आपकी टीम को और पूरे सब दर्शकों को भी 2022 के शुभकामनाएं। तो 2022 एक ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा। लास्ट 18 महीना में मार्केट में काफी भड़क आया, सबको अच्छा रिटर्न मिला है, तो कभी भी इतना बड़ा रिटर्न के बाद एक कंसोलिडेशन जरूरी होता है जो कि अगला फेज ऊपर का हो सके, तो इसलिए बाजार कंसोलिडेट होएगा। तीन चीज अपने देखे तो एक तो वैल्यूएशन जो है ना महंगे हैं, तो वो थोड़े है ना नीचे आने पड़ेंगे, तो टाइम करेक्शन के हिसाब से शायद ज्यादा नीचे आए, हो सकता है थोड़ा प्राइस करेक्शन भी रहे। दूसरा है सेंट्रल बैंक्स, जो फेड को देखे हैं तो वो काफी इजी मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा था, लास्ट 15-20 साल से आदत हो गया है फेड का है ना मॉनेटरी पॉलिसी इजी चलने का, वहां टाइटनिंग की उम्मीद है अभी, वो शायद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। तीसरा अर्निंग्स जो है उस पर मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है कि अर्निंग्स साइकिल अभी अभी बस चालू ही हुआ है, तो अगले 4 साल में अर्निंग्स शायद डबल हो जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में हो सकता है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर गए हैं, तो जो अपना अर्निंग्स अपग्रेड का फेज पिछले सितंबर से चालू हुआ था वो शायद एक बार रुक जाए, थोड़ा सा है ना अर्निंग डाउनग्रेड भी आ सकता है क्योंकि मार्जिन पर प्रेशर हो सकता है। तो ये तीन चीज पे अगले साल काफी फोकस रहेगा, पर ओवरऑल मार्केट एक कंसोलिडेशन की तरह होएगा, प्लस माइनस 5-10% मिल सकता है पूरे साल में। ओके, तो बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी, बहुत बड़ी मंदी नहीं होगी और रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। अगर बाजार में मजबूती होनी है, चाहे वो निचले स्तरों से हो चाहे अभी हो, तो क्या ट्रिगर्स अगले साल तेजी के रह सकते हैं सर? तो एक तो अर्निंग्स रहेगा, जैसे मैंने कहा अर्निंग्स पे मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है कि अर्निंग साइकिल अभी बस शुरू ही हुआ है, लास्ट 1 साल में अपने को अर्निंग्स अपडेट भी देखने मिला है, तो अगला साल भी अर्निंग्स अपडेट आता रहे तो उससे है ना बाजार के लिए काफी मजबूती हो जाएगा। एक चीज जो ध्यान में रखना है कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी है और वो बजट आएगा फरवरी में तो देख सकते हैं, पर मॉनेटरी पॉलिसी में टाइटनिंग होएगा, पर फिस्कल पॉलिसी काफी लूज रहना चाहिए, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट है ना फिस्कल डेफिसिट भी 6-6.5 के करीब है ना टारगेट करेगा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अच्छा देना चाहिए, उससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और अर्निंग्स को बढ़ावा मिलेगा, और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ना चालू होएगा तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगले साल के लिए कि भाई कैपेक्स साइकिल चालू हो रहा है कि नहीं। दूसरा चीज है सेंट्रल बैंक्स का, तो जैसे फेड ने कह दिया कि टाइटनिंग चालू रहेगी, कई इंटरेस्ट रेट्स आएंगे, पर हरदम एक चीज है फेड का पुट जो बोलते हैं कि भाई थोड़े भी इकोनॉमी में वीकनेस आ गया तो फेड वापस से है ना अपना टाइटनिंग रोक देगा, तो उस हिसाब से फिर मार्केट अभी अज्यूम कर रहा है टाइटनिंग है, तो यदि वीकनेस आया तो फेड का है ना लूजनिंग हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का, नहीं तो फिर इकोनॉमी अच्छा रहेगा तो मार्केट उस बल पे चलेगा, तो ये दो चीज है जो महत्वपूर्ण रहेगा। और एक ऑब्वियसली अभी ये कोविड लास्ट 18 महीने से देखने को मिला है, नए स्ट्रेन आए हैं ओमिक्रॉन, जो अभी तक तो लग रहा है कि इतना डेंजरस नहीं है, पर वो एक है ना रिस्क फैक्टर है मार्केट को, जो कोई भी तरफ जा सकता है, हो सकता है कोविड यदि एकदम खत्म हो जाए, वीकेंड हो जाए तो वो एक पॉजिटिव हो जाए, यदि कुछ वापस से कोई स्ट्रेन आ गया जो डेंजरस है तो वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये आपके लिए बाजार पर थोड़ा सा दोनों ही तरह के ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल जो इस वक्त बाजार की दिख रही है वो है FIIs की लगातार होती हुई बिकवाली। पहले तो हमें लगा कि हम मुकाबला कर लेंगे, लेकिन फिर करेक्शन हुआ, भले कम हुआ हो लेकिन हुआ जरूर है। क्या लगता है 2022 में FIIs का व्यू क्या रहेगा सर? आप तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से लगातार संपर्क में रहे भी हैं और आपकी गहरी पकड़ भी है दुनिया भर के बाजारों पर, उसके बारे में बताएं सर। तो ये पहले तो मैं बोलता हूँ FIIs सेलिंग क्यों आया, तो यदि अपने देखे इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स एक तरह से नॉर्मली मार्केट्स चलते हैं, और लास्ट 3 महीना में इंडिया इमर्जिंग मार्केट को काफी आउट परफॉर्म कर दिया है, तो उसके कारण क्या हो गया, एक तो परफॉर्मेंस इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तो लोग है ना थोड़ा वेट कम कर दिए, दूसरा ये आउट परफॉर्म करने के कारण इंडिया का जो वैल्यूएशन है
यदि एवरेज में देखे लास्ट 15-20 साल तो है ना करीब 41% प्रीमियम रहता है इंडिया का पीव में इमर्जिंग मार्केट के बेहतरीन। अभी ये 40 जाके 55-60 हो गया है क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए वैल्यूएशन रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट भी काफी महंगा हो गया है। तो थोड़ा सा वो जो वैल्यूएशन कंप्रेस हो जाए फिर उनकी सेलिंग कम हो जानी चाहिए। अगले पूरे साल में मेरे ख्याल से एफआईआई लोग का पॉजिटिव इनफ्लो रहेगा इंडियन मार्केट में, पर शॉर्ट टर्म में एक बार थोड़ा मार्केट करेक्ट होए तभी उनकी सेलिंग रुकेगी। तीसरा चीज जो याद रखना है कि इमर्जिंग मार्केट को फ्लो आता है तो इंडिया को फ्लो मिलता है, इमर्जिंग मार्केट से फ्लो चला जाता है तो इंडिया का भी नेगेटिव सेलिंग हो जाता है। तो जिस ढंग से डॉलर अप्रिशिएट हो गया उसके कारण इमर्जिंग मार्केट में सभी जगह थोड़ी सेलिंग आई थी और इंडिया में भी सेलिंग आई थी, तो अगले साल यदि डॉलर का अप्रिसिएशन रुक जाएगा थोड़ा डिप्रिसिएशन भी चालू हो जावे तो इमर्जिंग मार्केट वापस फैशन में आ जाएगा और इंडिया को भी फ्लो मिलेगा। तो नटशेल में देखिए ओवरऑल तो अगले साल पॉजिटिव फ्लो रहेगा एफआईआई का, पर है ना जो लास्ट एक साल में देखने मिला उतना शायद पॉजिटिव नहीं दे रहे। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। अब सर ये बताएं कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है इस मार्केट में या गिरते हुए बाजार में जब भी मौका मिले, कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है अच्छे रह सकते हैं 2022 के लिए और उसके बाद के लिए? तो मेरे ख्याल से है ना तीन थीम इंडिया में प्ले आउट करेगा। सबसे पहला थीम तो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, क्योंकि तो गवर्नमेंट का काफी स्पेंडिंग रहेगा, उसके बाद जैसे मैंने कहा शायद कैपेक्स साइकिल भी चालू हो जाएगा, तो ये एक बड़ा थीम प्ले करने को है क्योंकि ये थीम परफॉर्म नहीं किया है। 2008 के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर एकदम नेगेटिव रहा है और अब है ना टाइम आ गया इसको परफॉर्म करने का, तो इसमें कैपिटल गुड्स आ जाते हैं। इसमें सीमेंट है जो हम लोग काफी जोर से खेल रहे हैं क्योंकि अगले 2-3 साल सीमेंट का डिमांड बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा कैपेसिटीज नहीं आ रहा है इसलिए प्राइसिंग पावर आने वाला है। तो एक थीम तो यह है जो दर्शकों को खेलना चाहिए। दूसरा थीम जो है वो है कि भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ते रहेगा, तो अगले 5 साल में देखे तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 50% बढ़ जाना चाहिए। तो कहाँ पे है ना इंडियन कंज्यूमर स्पेंडिंग करेगा और यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के है और है ना हाउस होम इम्प्रूवमेंट के स्टॉक्स है उस तरफ हम लोग का निशाना रहता है कि उधर है ना जैसे जैसे लोग की आमदनी बढ़ेगी सबको अच्छा घर चाहिएगा, थोड़ा डेकोरेशन चाहिएगा, तो चाहे टाइल्स कंपनी हो चाहे केबल कंपनी हो ये सब में अपने को देखना चाहिए। तीसरा थीम रहेगा ये चाइना +1 का, क्योंकि हर एक कंपनी को आजकल चाइना से थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग कम करके ऑल्टरनेट सोर्स जिसको बोलते हैं वो करना है, तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वियतनाम बांग्लादेश कई कंट्री करेंगे। तो इसमें एक तो केमिकल्स है जो काफी खेल चुके हैं अब यहाँ वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं, दूसरे फार्मा में कई कंपनीज है जो क्राइम्स करते हैं वो एक है ना दूसरा सोर्स है जहाँ पे से ये दर्शक ले सकते हैं। तो ये तीन थीम रहेंगे इंडिया के और है ना ये तीनों टीम खेलने से मार्केट में आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए अपने को। तो ये आपके लिए कुछ बेहतरीन थीम्स हैं, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, फाइनेंशियल्स और चाइना +1 की थीम है जो ज्योति सर को पसंद है। तो सर आपने जो बात बोली उसमें एक बहुत बढ़िया बात मुझे लगी, हमारा निशाना वहीं पर रहता है तो बिल्कुल वही टारगेट। सुनकर मजा आया, बढ़िया लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। फिर से आपसे मुलाकात होगी नए साल में, बजट से पहले आपसे एक बार फिर से मुलाकात भी करेंगे, बजट पर आपके व्यूज और आउटलुक भी पूछेंगे। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर जो बताते हुए बाजार का आउटलुक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा 2022 में, ये मान सकते।